वर्ल्ड कप में धमाल मचाने वाले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पिछले कुछ महीनों से खूब चर्चा में हैं। कभी वो अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए वाहवाही बटोरते हैं, तो कभी निजी जिंदगी में उतार चढ़ाव उनकी परेशानी बढ़ाते हैं। लेकिन इन सबके बीच शमी ने उन ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है जो उन्हें पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर भला बुरा कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। शमी ने पिछले वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 24 विकेट चटकाए। श्रीलंका के खिलाफ तो उन्होंने एक मैच में 5 विकेट हासिल कर लिए, टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। लेकिन इस मैच से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई। उस तस्वीर में शमी घुटनों के सहारे सिर झुकाकर बैठे हुए दिख रहे हैं। तब कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने शमी को खूब ट्रोल किया और आरोप लगाए कि वो मैदान पर सजदा करना चाहते हैं, लेकिन भारत में होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि अब शमी ने चुटकी लेते हुए करारा जवाब दिया है और साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तानियों को सिर्फ चुगलखोरी से प्यार है। एक बातचीत में शमी ने पाकिस्तान को जमकर कोसा और कहा कि अगर मुझे सजदा करना ही होता तो जरूर करता और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता था। मुझे मुसलमान होने पर गर्व है और भारतीय होने पर भी बहुत गर्व है। मैं भारत में किसी भी मंच पर सजदा कर सकता हूं और कोई भी मुझे कभी नहीं रोक सकता है। पाकिस्तानियों की ट्रोल करने वाली हरकत के बारे में शमी ने जहां पाकिस्तानी ट्रोलर्स को जवाब दिया, तो वहीं श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि उस मुकाबले में 3 विकेट जल्दी मिल गए और फिर मेरा लक्ष्य 5 विकेट पूरा करने का था। इसके बाद शमी ने कहा, अगले 2-3 ओवर में ही अपने 5 विकेट का लक्ष्य पूरा करना चाह रहा था। इसके लिए मैंने अपनी लिमिट से ज्यादा और लगातार गेंदबाजी की, मैं थक चुका था। और जब 6 ओवर में उन्हें 5वां विकेट मिला तो वो घुटनों पर बैठ गए। खैर, पाकिस्तानी पत्रकारों को उनकी हरकत का जोरदार जवाब मिल गया है। उम्मीद है आने वाले दिनों में वहां के ट्रोलर्स ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसी हर अपडेट के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।